अब मारे लगी नायक ने खाल नायक बनने का शौक करता है हम लोग को नमस्कार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के गया का एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर मनचले जो है बिहार पुलिस को खुलेआम चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वीडियो में जो है हथियार के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि मनचले जो है खुद का वीडियो भी बना रहे हैं और कह रहे हैं नायक नहीं खलनायक हूं मैं और संजू बाबा का फैन भी हूं। इसके अलावे रास्ते में जो राहगीर मिल रहे हैं उन्हें जमकर कूट भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गोली मार दो इसे, यह चोर है रात को घूम रहा है, और इतना मारते हैं कि बेचारा अधमरा हो जाता है। इसके बाद दूसरा भी मिलता है उसे भी पकड़ लेते हैं और दमकर पीट देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वो खलनायक है और पूरे शहर में घूमकर उत्पात मचा रहे हैं। मामला जो है गया जिले के डेल्हा थाना क्षेत्र का है, जहां पर अपराधियों के हौसले इन दिनों काफ़ी बुलंद है। वो बेखौफ होकर आधी रात में हथियार लहराते हुए गली मोहल्ले में घूमते हैं। यही नहीं, गली मोहल्ले में यदि उन्हें कोई मिल जाता है तो उसकी बेरहमी से मिलकर धुनाई भी करते हैं, साथ ही उसके रुपए पैसे भी लूट लेते हैं। स्थानीय लोगों में अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए मारपीट और ताबड़तोड़ फायरिंग करना उनका शौक हो गया है। इस बात का लाइव वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। खास बात यह भी है कि वीडियो किसी अनजान या पीड़ित ने नहीं बल्कि अपराधियों का जो परिचित है, जो अपराधी है, उसने ही बनाया है। वहीं इस वायरल वीडियो के बारे में सूत्रों ने बताया कि बीती रात तकरीबन 12 बजे आधा दर्जन अपराधी एक साथ अपने हाथों में हथियार लेकर डेल्हा थाना क्षेत्र के बैरागी मोहल्ले के भूई टोली घुसते हैं और इलाके में दहशत फैलाने के लिए पहले ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद इलाके में रहने वाले लोगों के साथ जमकर मारपीट भी करते हैं। अपराधी कई लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट करके उसे अधमरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया कि घायल व्यक्ति के परिवार वालों ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया था। स्थानीय थाना की पुलिस इलाके में पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं डेल्हा थानाध्यक्ष का कहना है कि वीडियो के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बीती रात इस तरह की घटना हुई थी। अपराधियों की शिनाख्त कर ली गई है, उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सुबह यह खबर जो है सामने आई है कि 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं जो 2 अपराधी हैं वो फरार है। मुख्य रूप से बंटी और आजाद जो हैं वो फरार है। और देखिए इस मामले को लेकर गया के SSP हरप्रीत कौर क्या कुछ कह रही हैं, आप देख लीजिए। में क्या मामला थी? हुआ था जिसमें 5-6 लड़के जो थे, 6 लड़के थे टोटल, जो कुछ हथियार भी उनके पास थे दिख रहे हैं, कि जो भी एक आदमी को मारपीट कर रहे हैं और काफ़ी मतलब हुड़दंगे से जाते हुए रास्ते पे जा रहे हैं हुड़दंगे करते हुए। तो उसी में ये कांड दर्ज हुआ था। SHO डेला को बुला गया था तो उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 4 में से 6 लड़के पकड़ लिए गए हैं, जिनके पास शराब की भी बरामदगी हुई है। एक लूटा हुआ जो है मोबाइल भी मिला है उनके पास से, उनको जेल भेज दिया गया है। बाकी 2 लोग जो हैं वो फरार हैं। जो 4 लोग पकड़े हैं उसमें 3 क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, अच्छा खासा उनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, जो मैंने प्रेस विज्ञप्ति दिया है उसमें वो मेंशनड है। तो 4 लोग जेल चले गए हैं, 2 लोग अभी फरार हैं, जिसके लिए छापामारी हो रही है। हरप्रीत कौर ने बताया कि 6 में से 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 फरार चल रहे हैं, उन्हें भी पकड़ने के लिए पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। हमने आपको वो पूरा वीडियो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो में इस तरह से हिंसा थी जिसे हम नहीं दिखा सकते थे और साथ में गाली गलौज भी थी, इसलिए हमने उस वीडियो को पूरी तरह से दिखाना जो है वाजिब नहीं समझा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।